गुड मॉर्निंग क्लास एट। पिछले क्लास में मैं तुम लोगों को गिरधर की कुंडलियां में पहली कुंडली जिससे गिरधर जी बताना चाह रहे हैं कि हमें कोई भी काम जो है सोच समझकर करना चाहिए। अब हम आगे दूसरी कुंडली को पढ़ेंगे। दूसरी कुंडली में जो है उन्होंने क्या लिखा है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले ई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराए यह करुमन प्रतीति, आगे को सुख समझी हो बीती सो बीती। तो दूसरी पंक्ति में दूसरे कुंडली में गिरिधर जी क्या बताना चाहते हैं कि बीती ताही बिसारी दे। यहाँ पर ताही मतलब उसी में, बीती बातों को, बीती ताही बिसारी दे, बिसारी दे मतलब भुला देना। तो बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, और आगे की सुधी लेई कहने का मतलब आगे के बारे में हमें सोचना चाहिए, उसे संवारने का कोशिश करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अर्थ यहाँ तुम लोगों को लिखा हुआ है, सुधी लेई मतलब संवारना और बिसारी दे मतलब भुला देना। तो इसमें गिरिधर जी क्या कहना चाहते हैं, बीती बातों को हमें भुलाकर और आगे के लिए हमें रास्ते को, रास्ते पर चलने के लिए, आगे के लिए हमें जो है उसके लिए अपने समय को उसमें लगाना चाहिए, उस काम में लगाना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, जो बनी आवे सहज में, जो हमें आसानी से बन जाए, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई, ताही में कहने का अर्थ है यहाँ पर उसी में, और चित देई मतलब, चित मतलब होता है हमारा मन। तो जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, जो तुम्हें आसानी से तुम्हारे बनने लगे हैं, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, उसी में तुम्हें अपना मन लगाना चाहिए। बीती बातों को भुलाकर हमें आगे के कामों के लिए हमें अपने मन को उसमें लगाना चाहिए। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, ताही में चित देई मतलब जो बीती गई बातों है उसको भुलाकर, ताही में चित देई आने वाले समय के लिए हमें उसके बारे में सोचना है, और बात जोई बनी आवे जो बातें बन जाए, दुर्जन हसे न कोई, इस पर क्या होगा, जो दुर्जन है, जो हमारा बुराई भी सोचते हैं, वे लोग भी हमारे ऊपर नहीं हंसेंगे। चित में खता न पावे, और हमारे मन में भी जो है वो तकलीफ नहीं होगी। कह गिरधर कविराय गिरधर जी कह रहे हैं, गिरधर कवि जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, यह करुमन प्रतीति मतलब विश्वास। तो हमें इसी में, इसी करुमन यहाँ पर करु मन लिखा हुआ है, मतलब कि इस मन में ही हमें इस बात को प्रतीति करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए कि पुरानी बातों को भुलाकर हमें नए बातों को मन लगाना चाहिए, उनमें मन लगाना चाहिए, ताकि हमारे जो दुश्मन भी हैं, हमारे जो बुरे सोचने वाले हैं, वे भी हम पर न हंसे और वे हमें जो है हमारा जो है मन भी उसमें लगा रहे। आगे को सुख समझी हो और हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारा आने वाला कल ही हमारा जो है वह सुख है। बीती सो बीती, चाहे हमारे ऊपर पहले जो बीत गया सो बीत गया, जैसा भी है वह बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो है अब आने वाले समय में ही हमें सुख मिलेगा, यह सोचकर जो है पुरानी बातों को भुलाकर और नए बातों में हमें मन लगाना चाहिए। तो कवि गिरधर
जी के द्वारा लिखी गई इस कुंडली में दूसरे कुंडली का अर्थ मैं बता रही हूँ। तो तुम लोगों को इसमें से ये दो कुंडलियां का अर्थ, शब्द अर्थ और इसका सारांश, इसका व्याख्या भी जो है तुम दो वीडियो में मैं बताई हूँ। तो दोनों का अर्थ जो है वो लिखकर अपनी कॉपी में तैयार करके मुझे यह काम भेजना है। ये दोनों पहली कुंडली और दूसरी कुंडली, पहले क्लास में पहली कुंडली और दूसरे क्लास में मैं दूसरी कुंडली मैं तुम लोगों को आज ये बता रही हूँ। तो इसका व्याख्या तुम लोग अपने से समझकर लिखो और लिखने का प्रयास करो और मेरे पास भेजोगे, जिससे कि तुम्हें कहाँ तक समझ में आया मुझे भी पता लगे, उसके बाद मैं उसमें जो होगा वो और करेक्शन करूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।